जीवन दायनी शिवनाथ नदी में इन दिनों कचरों का अंबार पड़ा हुआ है। वही रविवार की शाम मनाने जाने वाले छठ महापर्व को लेकर दुर्ग निगम काफी सुस्त नजर आया। साथ ही स्थानीय धर्म प्रेमियों ने निगम की इस ढिलाई पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दुर्ग भिलाई शहर के लिए जीवन दायनी नदी कहलाई जाने वाली शिवनाथ नदी इन दिनों कचरों के अंबार से भरी हुई है। वहीं स्थानीय निगम प्रशासन भी इसकी साफ सफाई व्यवस्था रखने के लिए पीछे नजर आ रहा है। वहीं आगामी दिनों में रविवार की शाम से सैकड़ों की संख्या में डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए छठव्रती महिलाएं यहां पहुंचेगी, जिसको लेकर शिवनाथ नदी के महमरा घाट सहित अन्य जगहों की साफ सफाई की जाती है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। वह दुर्ग नगर निगम की लापरवाही के चलते वार्ड के सफाई में लगाए गए कर्मचारी भी इस अवसर पर अपनी अहम भूमिका निभाने में टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भिलाई छठ पूजा समिति के रामचंद्र साहू ने दुर्ग निगम की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम लोग भिलाई से लगभग हजारों की संख्या में आते हैं और साल दर साल ये संख्या बढ़ते जा रही है, छठ पर्व के श्रद्धालु आते जा रहे हैं, जिसके लिए नगर निगम दुर्ग को कई बार शिकायत उनके अधिकारियों से अवगत कराया गया है कि यहाँ सफाई व्यवस्था किया जाए, बाकी ऐसा कभी देखने को मिला नहीं है। हमेशा नगर निगम दुर्ग का लापरवाही रहा है कि नाद नदी घाटों को लेकर, और छठ के बाद कार्तिक पूर्णिमा का भी त्यौहार बहुत ही श्रद्धालु दुर्ग भिलाई के, जो कार्तिक मास को अपने सनातन धर्म में अच्छा लोग मानते हैं, इस पर्व इस महीने को बहुत पवित्र मानते हैं। इसके अंतिम दिन पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के दिन स्नान होता है नदी तालाबों में, उसमें भी सफाई व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर किसी तरीके का इनके तरफ से व्यवहारिक निगम प्रशासन नहीं दिखता है, और ऐसी लापरवाही दुर्ग नगर निगम की हमेशा रहा है, और आपको आपके मीडिया एशियन न्यूज़ के माध्यम से देखने को भी मिलेगा कि यहाँ की सफाई व्यवस्था क्या है, क्या चरमराई है। और हमारी छत्तीसगढ़ भिलाई छठ पूजा समिति यहाँ हमेशा घाटों की डेंटिंग पेंटिंग का काम अपने फंड से कराती है और हर साल कराती आ रही है। सिर्फ नगर निगम दुर्ग से ही अपेक्षा रखती है कि इस घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था हुआ जाए। अभी व्यवस्था तो कुछ दिखने को नहीं मिला था, और एक बात होने के बाद सुपरवाइजर जो थे उनसे बात किए तो बेचारे ने तीन चार लेवल लगा के अपने कुछ कर रहे हैं, भैया दो चार घंटा समय बचा मेरे लिए, ऐसे करके बोले, और सफाई व्यवस्था में थोड़ा भीड़ा, लेकिन उस टाइम वो दो चार लेबर थे, इस घाटों की सफाई नहीं होगी। आने वाले श्रद्धालु हर बार हजारों की संख्या बढ़ते जा रही है, अब पिछले बार लगभग 4000 की जनसंख्या थी और इस बार उम्मीद है कि 5000-6000 के बीच में जाएगी। महज 24 घंटे के बाद ही छठ महापर्व का आगाज होगा। देखना होगा इतने अल्प समय में निगम प्रशासन इस नदी की सफाई व्यवस्था के लिए किस तरह कदम उठाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।